परसों डिसाइड करिए कि दो दिन खाना नहीं खाऊंगा। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा। परसों डिसाइड करिए कि दो दिन आप उपवास करेंगे, उपवास करेंगे दिन में एक बार खाना। अब आप बोलोगे इसका धंधे से क्या मतलब है, मैं बोलता हूँ कोई मतलब नहीं। आप अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए, आप सोचिए कि मैं एक घंटा खड़ा रहूंगा, नीचे नहीं देखूंगा। आप बोलेंगे इससे क्या होगा, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। आप अपनी कार में बैठिए और आधे घंटे का सफर करिए, और आधे घंटे का सफर में आप सोचिए कि ना मैं गाना सुनूंगा, ना एफएम सुनूंगा, ना आसपास का बोर्ड देखूंगा। आप बोलोगे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बोलता हूं कुछ नहीं। इससे एक चीज होती है, इससे आवारा मन कमजोर होता है, इससे आवारा मन कमजोर होता है। जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर को क्लेरिफाई नहीं करें, कभी लाइफ में डिसीजन अजम्पशन पर मत लेना यार, बहुत नुकसान करते हैं लोग। उसने मेरे बारे में यह बोल दिया, तूने सुना? नहीं, मैंने किसी और से सुना। उसने सुना? उसने भी किसी और से सुना। एंड यू टेक अ डिसीजन। एक डिसीजन आपकी चलती हुई जिंदगी में भूचाल ले आता है कभी कभी, अगर गलत हो तो। सर मैं बता रहा हूं आपको, ऑलवेज टेक मैच्योर डिसीजन और कभी अजम्पशन पर मत लेना यार। This is my trick to you. और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात करना, गांठ मार लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता, है मेरा चैलेंज। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। रिच लोगों का बड़ा सिंपल फिलॉसफी है, ये कोई भी काम शुरू करने के पहले सोचते हैं कि 5 साल के बाद मुझे इसका क्या रिटर्न आएगा, 7 साल के बाद क्या रिटर्न आएगा, 10 बरस के बाद क्या रिटर्न आएगा। लॉन्ग विजन बोलता हूँ मैं इसको, लॉन्ग साइटेडनेस। लेकिन जो पुअर पीपल है, इनका फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट है। ऊपर से कैसे दिखते हैं, वही दो आंखें, वही नाक, वही दो कान, सब यथावत है, लेकिन इनकी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है। आज क्या दोगे, 4 दिन अगर काम नहीं होता तो लौट के घर चले जाते हैं वापस, वो भी 4 दिन हुआ नहीं। कह रहे हमको तो 15 दिन हो गए इस काम को करते हुए, अभी तक तो पैसे नहीं, हमको तो 2 महीना लगा दिया सर हमने, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, हमको तो सर 4 महीने, हमने सर 4 महीने और अभी तक कुछ। तो माँ को संदेश गया कि बानर की पूंछ में आग लग गई, तो कहते हैं कि माँ ने हाथ जोड़कर अग्नि देवता का स्मरण किया, बोला मेरा बेटा है, अग्नि शीतल हो जाए, उसका कुछ बिगड़े नहीं। तो अग्नि देवता ने आशीर्वाद दिया, कहते हैं हनुमान जी की पूरी पूंछ में आग लगी, हनुमान जी ने लंका जड़ा डाली लेकिन बाल भी बांका। तो हनुमान जी जब वापस आए पूंछ बुझाने के बाद मां से मिलने, तो मां ने एक ही बात सिखाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को आग लगे और उसका बाल भी बांका ना। अगर ऐसा कुछ अप्रत्याशित हो रहा है जो होना नहीं चाहिए, तो यह बात समझ लेना इसमें आपका हाथ नहीं है, हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं।